दुनिया को नमन करता हूँ। ये रिवर्निया जिसके शिक्षा से ये सारे हमारे छात्र छात्राएं फलभूल रहे हैं, ऐसे शिक्षा जगत से अभिभूत शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ परम पिता परमेश्वर को जो मुझमें वक्ता बनकर बोल रहा है और आपके श्रोता बनकर सुन रहा है। मैं उसे भी नमन करता हूँ और देवरिया की इस कण कण भूमि को नमन करता हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य कृष्ण के लिए ये रहा कि वो जैसे सामान्य से व्यक्ति के लिए एक वक्ता के श्रोता के रूप में आप सुनने के लिए आए हैं, अब मुझे वक्ता के तौर पर बुलाया गया है तो ये बड़ी बात होती है। मैं इस विषय को मानता भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक छात्रों की बात है तो अभी हमारे समक्ष एक बड़ा पड़ाव है और जो एक बड़ा हमारा हमने ठहराव है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बेसिकली मैं उसी पे बोलूंगा कि हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो एकाग्रता है वो अर्जुन की तरह है। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखती है तो वो मुझे आंख दिखती है। तो ये एकाग्रता विद्यार्थी में होना चाहिए। विद्यार्थी में चूंकि एकाग्रता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्हें लक्ष्य को पाना है और लक्ष्य पाने के साथ उसमें जीना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दो तीन दो चार लाइनें आपको सुनाता हूँ, दो चार मुक्तक आपको सुना दे रहा हूँ। ज्यादा समय सबने बोला है कि समय एक मर्यादित है तो समय ज्यादा नहीं होगा। कि दिल्ली में जब हम सदाएं काम आती है, समुद्र में लाखित हवाएं काम आती है, मुझे आराम है या आपकी मेहरबानी है, दुआएं साधु की सदाएं काम आती है। वतन की रेत मुझे इंडिया रख दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो ये हमारी संकल्पना है, ये हमारी अवधारणा है कि आनंदी स्कूल ऑफ कंपटीशन से देवरिया के प्रतिष्ठित बच्चे निकले, देवरिया के प्रतिभावान बच्चे निकले, देवरिया के ओजस्वी बच्चे निकले। और मुझे आशा है कि यहाँ से एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता और एक अच्छे मार्गदर्शक और एक अच्छे समाजसेवी के रूप में आप निकलेंगे और उभर करके पूरे विश्व पटल पे अपने आप को रेखांकित करेंगे। ऐसी कामना महादेव से है, ऐसी कामना इस संस्थान से है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी थोड़ी बचता है मेरे साथ।